एशिया के सब तो बड़े मेले जिसनों पाइटेक्स मेले के नाँ नाल जाने जाता है उसकी शुरुआत बेशक पंजाब सरकार वालों कर दी गई है, लेकिन इस पाइटेक्स मेले में लोग चोरों का शिकार हो रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर वालों बीते दिन पाइटेक्स मेले में शिरकत की गई सी। उत्थे ही इस पाइटेक्स मेले में कई चोरों वालों लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों इस मेले के अंदर हैल्प डेस्क बनाया गया जो कि लोगों की मदद वास्ते बनाया गया है, लेकिन इसका अजे तक किसी को कोई भी फायदा नहीं होया। लोग अपन शिकायतें दर्ज करवाने के लिए वक् वक् थाणियों से धक्के खा रहे हैं। इस मौके पर किसी का पर्स चोरी होया तो किसी का मोबाइल तो किसी की नकदी। और मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई थी, मैं हॉल नंबर 3 में गई थी, ये पाइटेक्स में। हाँ, मैं पाइटेक्स में यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी थी, तो मैंने जैसे थोड़ा सा सामान लिया और सेकंड काउंटर पे गई तो मैं पैसे निकालने लगी तो मेरे पैसे थे ही नहीं और मेरा कैश था 15,000 रुपया और मेरे पर्स में से निकाल के ले गए, पर्स में के बीच अंदर की जिप में से। हाँ, वो तो पता ही होगा, जो शॉपिंग करने के लिए यहाँ आ रहा है तो खाली तो आएगा ही नहीं है। लेकिन पहले भी आप आते थे? हाँ, मैं बहुत साल से आ रही, जब से लग रहा है मैं तो हमेशा आती हूँ। ना, मैं पर्स ऐसे ही होता है, मेरे शोल्डर में पर्स होता है, कभी नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, जैसे कोई रश भी नहीं है इतना, जो ना इतना रश में निकल गया। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे अनाउंसमेंट हो बार बार, और थोड़ा सा जो इतने जो गार्ड लगे हुए हैं तो वो चक्कर भी लगाएं दो बार, क्योंकि जो चोर होते हैं उनको पता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ा सा एक दो राउंड लगाएं, जैसे 15-20 बाइक एक जाना राउंड, इतने सारे तो हैं वहाँ पे गार्ड रखे हुए हैं। आपके मुताबिक अंदर विजिट नहीं कर रहे? नहीं, अंदर नहीं विजिट कोई हो रहा, और इतना रश भी नहीं है भी जो कहो भी कोई निकाल ले। और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ जैसे शॉप भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखे भी कोई एक्स्ट्रा बंदा भी आ रहा है, देखो किसी की पर्स की तरफ देख रहा है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, लिख रहे हैं अभी, यही पाइटेक्स में यहाँ पे बार जो है ना, वो ये मुझे नहीं पता कोई है, वो लिख रहे हैं हमारी बस। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने, कंप्लेंट लिखी है या लिख रहे हैं? तो क्या उन्होंने बोला है कुछ आपको कि आप? नहीं, उन्होंने मुझे क्या देना है, मैं तो एक सलाह दे सकती हूँ ना, उन्हें मुझे तो देना नहीं कुछ। कह रहा हूं कि उन्होंने आपकी कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट लिखी है या वैसे नॉर्मल कंप्लेंट लिखी है? अभी तो नॉर्मल है, कह रहे पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, जो ले गया तो वो तो ले ही गया। मैं तो ये जैसे मेरा निकला है ना, तो ये बार बार अनाउंसमेंट भी करवाएं थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो बाकी काउंटर लगे उनको भी जैसे वो सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखें ना कौन एक्स्ट्रा बंदा, पता तो लग ही जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं होती भी किसी के, मेरे पर्स के पास कोई खड़ा ऐसे हाथ लगा रहा है, सामने 3-4 हो तो पता तो लग ही जाता है। तो इनको चाहिए थोड़ी अनाउंसमेंट करवानी, बार बार 5-5 मिनट बाद ना एक अनाउंसमेंट करवानी चाहिए उनको। असी सारी फैमिली, मेरी वाइफ, सारे बच्चे नाल आए थे, पाइटेक्स दे विच आए हैं, हाल नंबर 3 दे विच एंटर किए हैं कोई शॉपिंग करने वास्ते, तो इन्हों के पर्स, इन्हों के बैग के अंदर पर्स पिया सीगा, वो कोई निकल निकाल के लिया गया वा, इतने पॉकेट काफ़ी कांड हो रहा, साडे लागे एक होर भी होया वा, उन्हां दे पॉकेट च 15,000 रुपया निकलिया, साडे पॉकेट दे विचों 3,000 रुपया निकलिया, प्लस साडे डॉक्यूमेंट्स पर्स विच पे सी। असीं इत्थे कोशिश की है पुलिस दे नाल भी कॉन्टैक्ट करन दी, ते मतलब वैसे तो सिक्योरिटी दे विच फिलहाल तो कोई नहीं सीगा, मगर बाद च उत्थे एक होर सर हैगे सी, उन्होंने सानू किसी ने मतलब होर वड्डे अफसर नाल गलबात करवाई है, उन्होंने कहा वा कि तुहाडी इत्थे कंप्लेंट नोट कर लैने आ, ते उस तों बाद देखो सर, सर फिलहाल तो अजे कोई नहीं आया, तो कोशिश करते पे हैं कि रणजीत एवन्यू थाने दे विच कंप्लेंट नोट करवा दईए, तो जो कि साडा जिहड़ा नुकसान होया, साडा डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है साडे, तो 3,000 रुपया सर ते निकल गया। जी जी सर, हाँ सर मैं उत्थे गया, उत्थे उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है, उन्होंने ही सानू मतलब हुण SHO साहब नू फोन करके बुलाया, वो कह रहे हैं कि मतलब हुण आ रहे हैं, शायद कंप्लेंट करेंगे कोई, शायद साडा मसला हल हो। मेरी भाभी जी का एक उन्हों का मतलब कि हैगे सी डॉक्यूमेंट्स हैगे सीगे, आधार कार्ड सीगा, ते नाल बच्चे का भी आधार कार्ड सीगा उन्होंने, नाल 3,000 रुपया नगद सीगा उहदे विच। सर बहुत मंदभागी घटना वा, मैं लगभग 3-5 साल तो है मतलब मेले च आ रहा मैं, तो कभी है कभी होया नहीं साडे नाल, कि पहली बार यह कांड होया साडे नाल, अज नॉर्मल जिहा रश सीगा, पता नहीं लगा, मेरी वाइफ का भी मेरी जेब चो निकलिया वै मोबाइल,
मैं सडनली पिछे मुड़ के देखा तो मैं बंदा कोई नजर नहीं आया, मोबाइल थोड़े डिगा नज़र आ गया, शायद वह भी कट लेंगे। खब्बे बन्ने कहिंदे कैमरा लगा जिथे साडा सज्जे बन्ने उधर दे बन्ने कैमरे सानू नजर नहीं आए। अच्छा बैठे आ प्रोपरली, मतलब उत्थे सीसीटीवी दा इंतजाम नहीं हैगा, ते प्लीज अहीं कहिंदे आ कि प्रोपरली असं कहने कि प्रॉपरली सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, कैमरे लगवाए जाए, इंस्टॉल कराए जाए, क्योंकि यह शरारती बंदे लोगों का मतलब नुकसान ना कर। उत्थे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस जगह पर शिकायत दर्ज नहीं करवाई जा सकती, उन्होंने रणजीत अवेन्यू में पहुँच के अपनी शिकायत दर्ज करवानी पवेगी। कुछ पाइटैक्स मेले दे विच कोई कुछ कंप्लेंट्स आ रही वा भी कुछ बीबियां दे कोई पैसे पूसे परसा दे विचों चोरी होए आ, उहदे संबंध विच इन्हां नूं तफ्तीशी अफसर दे कोल जिहड़ा साडा ड्यूटी अफसर हुंदा उहदे कोल इन्हां भेज रहे थाने। अच्छा जी, आपे ओह कारवाई करके जो बंदी तफ्तीश होगी अमल विच लिआउणी। ते इत्थे नहीं इहदा कोई काउंटर बनाया गया जी? नहीं, इत्थे कोई काउंटर नहीं, जिहड़ी कोई भी कारवाई उह थाने हुंदी।